का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। बड़ी खबर, विधानसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल का संचालन मुश्किल होता देख विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे, विधानसभा के बाहर और विधानसभा के भीतर भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। करीब 18 मिनट ही कार्यवाही संभव दिखी। कार्यवाही के दौरान विपक्ष की ओर से लगातार नारेबाजी की जा रही थी। बेल में आकर विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारे करते दिखे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष बार बार विपक्ष से अपने आसन पर जाने का आग्रह करते दिखे, लेकिन विपक्ष के सदस्य कार्य स्थगन प्रस्ताव पर सुनवाई की मांग को लेकर अड़े रहे। शराब कांड को लेकर, सरकार से जवाब की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों की ओर से लगातार नारेबाजी के बाद 18 मिनट ही प्रश्नकाल चल पाया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। विपक्ष के हंगामे के कारण सिर्फ 18 मिनट ही बिहार विधानसभा के शीत सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही चल सकी। प्रश्नकाल में कुछ ही प्रश्नों के उत्तर दिए जा सके। विपक्ष के हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही को 18 मिनट बाद ही स्थगित कर दिया।